नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड में निकली भर्ती की। जी हाँ दोस्तों, ये भर्ती 12वीं पास कैंडिडेट्स के लिए निकाली गई है। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आप देख सकते हैं ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड की भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। 10+2 पास कैंडिडेट्स के लिए भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती की हम पूरी चर्चा करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपके जो भी सवाल और डाउट्स हैं सारे क्लियर हो जाए, क्योंकि यहाँ पर हम आपको पूरी जानकारी देंगे। एज लिमिट क्या है, क्वालिफिकेशन, कौन कौन कैंडिडेट्स भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। दोस्तों अगर आप 12वीं पास हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए जरूर अप्लाई कीजिएगा। और यहां पर पोस्ट की बात करते हैं तो नाविक जीडी के पदों पर ये वैकेंसी निकाली गई है। और ये जो वैकेंसी है ऑल ओवर इंडिया की जॉब है। भारत के किसी भी राज्य में आप रहते हैं तो आप अप्लाई जरूर कीजिएगा। ऑनलाइन ही आपको इस वैकेंसी के लिए आवेदन करना होगा। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे लाल बटन को दबा करके चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और घंटी का बेल आइकन जरूर दबाएं। और प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर कीजिए व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं पूरी इस रिक्रूटमेंट की। तो दोस्तों इंडियन कोस्ट गार्ड में ये भर्ती निकाली गई है। पोस्ट जैसा मैंने आपको बताया, नाविक जीडी के पदों पर 10+2 एंट्री लेवल की वैकेंसी निकाली गई है। अप्लाई मोड है ऑनलाइन, ठीक है। और एज लिमिट की बात करते हैं तो मिनिमम है 18 साल और मैक्सिमम है 22 साल। और यहां पर आयु सीमा में छूट भी है। और दोस्तों यहां पर आपको एज लिमिट की कट ऑफ भी मिल जाएगी। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो 10+2 अगर आप हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। मतलब पीसीएम सब्जेक्ट आपके पास है 12वीं क्लास में तो आप जरूर इस वैकेंसी के लिए आवेदन कीजिएगा। अगर आप रिकॉग्नाइज मान्यता प्राप्त बोर्ड से, अगर आपके पास सेंट्रल की हो या स्टेट गवर्नमेंट की आपके पास में 12वीं पास मार्कशीट है तो आप अप्लाई जरूर कीजिएगा। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं तो अप्लाई ऑनलाइन का जो आवेदन शुरू होने वाला है 21 जनवरी से और लास्ट डेट है 31 जनवरी 2019 आवेदन करने की, ठीक है दोस्तों। और यहां पर डेट ऑफ एग्जामिनेशन मार्च अप्रैल में आपकी एग्जाम होने की संभावना पूरी है। और डाउनलोड एडमिट कार्ड का आपका जो लिंक है वो 11 फरवरी से लेकर 21 फरवरी तक आप एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर पाएंगे। और यहां पर ट्रेनिंग आपकी शुरू हो जाएगी जुलाई से अगस्त के बीच में, ठीक है। इंपॉर्टेंट लिंक्स में आपको नोटिफिकेशन, अप्लाई ऑनलाइन और ऑफिशियल वेबसाइट तीनों का लिंक आपको हमारी साइट पर मिल जाएगा। और हमारी साइट का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे आप नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे आप सीधा ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आ जाएंगे। जो जानकारी हमने आपको दी वही पूरी जानकारी आपको इस नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। तो प्लीज आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा ताकि आपका समय और पैसा दोनों बर्बाद ना हो, ठीक है। और यहां पर आप देख सकते हैं जो आपके एग्जाम होगा। जी हां दोस्तों, यहां पर आपकी एग्जाम होगी। एग्जाम सेंटर के बारे में यहां पर पूरी जानकारी है, किस किस स्टेट के अंदर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में यहां पर एग्जाम सेंटर रखे गए हैं वो पूरी जानकारी इस नोटिफिकेशन में दी गई है। और सिलेक्शन बोर्ड की बात करते हैं तो सिलेक्शन प्रोसेस यहां पर बताया गया है कि सबसे पहले आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, ठीक है दोस्तों। यहां पर आपकी एग्जाम होगी, उसके बाद आपको यहां पर सेलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। और यहां पर आपकी फिजिकल टेस्ट भी होगी, जो आप देख सकते हैं यहां पर फिजिकल टेस्ट भी आपका लिया जाएगा। 1.6 किलोमीटर की दौड़ होगी जो कि आपको 7 मिनट के अंदर पूरी करनी होगी। 20 स्क्वाट्स होंगी और यहां पर 10 पुशअप्स होंगी, ठीक है। तो नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, इसमें पूरी आपको जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं इसी प्रकार आपको लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की अपडेट मिलती रहे तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो के नीचे लाल बटन को दबा करके।